तो आज हम लोग करने वाले एक चैलेंज, इस चम्मच से हमें भरना है इस टब को, नहीं इस टब को नहीं, इस बाल्टी को। तो आज देखते हैं हमें इसको भरने के लिए कितना टाइम लगेगा और कितने ज़्यादा चम्मच लगेंगे। तो सबसे पहले मैंने स्टार्ट कर दिया, ये रहे मेरे कुछ शुरुआत के 3-4 चम्मच। तो इस स्पून से भरने में तो यार बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो मैंने इसे फास्ट फास्ट भरना शुरू किया और फिर कहीं देर के बाद मैंने इतना ही भरा। तो हाँ, ये तो बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, तो देखते हैं कितना टाइम लगता है। Few moments later. One hour later. तो फाइनली मैंने यार इसको भर ही दिया। देखो ये रहा इसका एक्स्ट्रा लीकेज, यहाँ से दिखाता हूँ। हाँ देखो, यहाँ से नीचे पानी गिर रहा है, यानी कि हम लोग ने इसे फुल भर दिया है। तो मैंने इसके लिए कितने चम्मच लगाया मैं तुम लोग को बताता हूँ, मगर इसके पीछे एक ट्रिक है। तो ये रही मेरी कैलकुलेशन वाली ट्रिक, तुम लोग को मैं समझाता हूँ इसे मैंने कैसे किया। तो सबसे पहले मैंने लिया एक गिलास और इसके अंदर मैंने डाला बहुत सारे चम्मच पानी। तो देखते हैं हमें इस गिलास को भरने के लिए कितना चम्मच लगेगा। तो अभी मैं इसको भर रहा हूँ, जब तक कि तुम लोग लाइक का बटन दबा दो फटाफट से। तो ये गिलास हो चुका है फुल, इसको भरने के लिए हमें लगा है 60 स्पून। अब हम लोग को भरना है इस गिलास से इस मग को। तो ये मग को मैंने सबसे पहले एक गिलास डाला और देखते हैं इसको कितना गिलास लगता है इस फुल मतलब मग को फुल होने के लिए। ये मैं क्या बोल रहा हूँ, तो देखते हैं फटाफट। तो इस मग को फुल करने के लिए मुझे लगे हैं 3 गिलास, यानी कि 180 स्पून। हाँ ये मेरी कैलकुलेशन थी। तो ये कैलकुलेशन से मैंने अब ये बकेट को भरना शुरू किया हूँ और देखते हैं कि कितने मग लगेंगे इस बकेट को भरने के लिए। तो फटाफट से इसको हम लोग भरते हैं। तो 8 मग डालने के बाद हमारी बाल्टी हो चुकी है फुल। हाँ इसमें थोड़ा सा बचा है तो मैंने स्पून से बाकी का डालना शुरू किया और 7 स्पून डालते ही हमारी बाल्टी एकदम ओवरफ्लो हो गई। हाँ लास्ट स्पून पे हमारी बाल्टी बाकी का पानी नीचे फेंकने लगी। तो फिर उसके बाद मैंने जितना भी हुआ उसको कैलकुलेशन शुरू किया। तो मैं तुम लोग को अभी पूरे कैलकुलेशन के बाद ही मिलता हूँ, रुक जाओ। तो थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करने के बाद फाइनली मुझे आंसर मिलने ही वाला है और ये फिर मुझे मिल गया आंसर। तो हमारा आंसर आया है 1447। तो ये हमारा आंसर है, मतलब इतने स्पून लगेंगे आपको एक बकेट को भरने के लिए। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो। मिलता हूँ अगली वीडियो में, बाय।